रुकते हैं वहां के साथ। नहीं, शी आर ओके? हम अभी अभी दोस्त बने और तुमने ऑलरेडी सीक्रेट्स रखना शुरू कर दिया। क्या बात है बोलो। अर्जुन, हमें ऐसे लग रहा है जैसे वह हमसे नाराज है। नो, नाराज वो भी तुमसे। उन्होंने तुमसे कुछ कहा? यही तो बात है ना अर्जुन, कि उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा। देखो मॉम आईसीयू में, उन्होंने इतनी दवाइयां ली हैं, वो लिटरली मौत से लड़के वापस आई। नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप सही कह रहे हो अर्जुन, हम ही पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। सॉरी, आज तुमने इस परिवार पे एहसान किया है, मैं एहसान करके सॉरी नहीं बोलता। नहीं अच्छा। हाँ मिश्री, देखो मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, लेकिन एक बात मानता हूँ कि अगर नियत सच्ची हो तो जो मांगोगे वो मिलेगा, और तुम तो सर से पांव तक सच्ची हो मिश्री। मिश्री, मैंने किसी से कहा नहीं, लेकिन मैं आज सच में बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि मैं मॉम को आज कुछ भी हो जाता ना मिश्री, तो मैं खत्म हो जाता। तुमने आज सिर्फ एक जान नहीं बचाई है, दो जाने बचाई है मिश्री। तुमने इस बेटे को उसकी मां लौटाई है। थैंक यू सो मच मिश्री। आज तुमने मां के लिए जो कुछ भी किया ना मिश्री, जो उनको पता चलेगा ना, तो भले ही मैं इस घर का फेवरेट हूं, लेकिन इस घर की फेवरेट तुम हो जाओगी। तुम्हारा विश्वास ही मॉम को वापस लाया, और एक मैं हूं जो तुम पर विश्वास ही नहीं कर पाया। अब फिर शुरू हो गए? आपका थैंक यू बोलना एक बार को मिश्री माइंड नहीं करती, पर आपको खुद को कोसना अलाउड नहीं है अर्जुन। आपने जो कुछ भी देखा उसे सही समझा, उस हिसाब से रिएक्ट किया, कोई बात नहीं अर्जुन, पर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। Never. अर्जुन, हमारे लिए परिवार एक बिना मतलब का शब्द था। अब आप सब हो, आप हो परिवार, दोस्त, भरोसा, सब कुछ। हम पहले हमारा सब कुछ खो चुके हैं, अगर दोबारा खोए तो हम खुद को खो देंगे अर्जुन। मिश्री, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर दूंगा। जब तक ये डील खत्म नहीं होती मैं तुम्हारा साथ दूंगा। करमा डिस्चार्ज हो रही है अर्जुन, जल्दी उठना है। गुड नाइट। साथ तो मैं 7 जन्मों तक देना चाहता हूं मिश्री, लेकिन मेरी किस्मत बड़ी कंजूस निकली। 7 जन्म में बस 1 साल का टाइम दिया है। Thank you.
रानी ने बड़ी मुश्किल से आपको हमारे पास वापस भेजा है। सारी रस्मों के साथ गृह प्रवेश करेंगे ताकि पूरी नजर को लगने का कोई चांस ही ना मिले। आइए ना माँ, कल्पना अंदर आ जाओ। पिता क्या हुआ? मॉम क्या सोच रही बहू रानी? आओ ना अंदर। आएंगे पर तब जब मिश्री इस घर से बाहर जाएगी। वही कह रहे हैं मौसी जी जो आप सबने सुना। प्लीज रुकिए, मैं जानता हूं कि आप अपनी मर्जी से मिश्री को जाने के लिए नहीं कहेंगी। क्या आपको कोई मजबूर कर रहा है? प्लीज टेल मी। मिश्री का इस घर से जाना मेरी मजबूरी नहीं, मर्जी है। मॉम पे क्यों? मॉम, इतने बड़े डिसीजन के पीछे कोई तो वजह होगी। तू वजह जानना चाहता है ना? तो चल मेरे साथ। अन्नू, ये मेरे बेटे और बहू का मामला है, बीच में मत पड़ना। ये सब हो क्या रहा है? अन्नू मॉम, आखिर बात क्या है? प्लीज बताइए आप। मॉम, मॉम आपको हो क्या गया? अगर इसे चोट लग जाती तो तुझे बुरा लगता? हाँ मॉम। क्यों? इसे चोट लगती है तो तुझे दर्द होता है, तुझे दर्द होता है तो ये रोती है। अगर ये सच है तो जो जो मैंने देखा वो सब कैसे हो सकता है? वो क्या मॉम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, बात क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोल, समझ में नहीं आ रहा, मुझे पागल कर दिया तूने, समझ में नहीं आ रहा, बोल, अब बस करिए माँ, चुप रहे, खबर साजो मुझे माँ बोला तो, तेरी असली माँ होती, तो तू क्या उसके साथ भी यही करती? नहीं ना, पर तूने तो मुझे कभी अपनी माँ समझा ही नहीं। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज देखो देखो मॉम, वो आपको नहीं, माँ नहीं कहेगी। आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, जो गुस्सा है आपका आप मुझ पे निकालिए। मॉम बस बता दीजिए कि हमारी गलती क्या है। मॉम प्लीज अपनी तबीयत मत खराब करिए। आप जहर पिला के पानी देने आई है? जिस माँ ने हमें ममता का मतलब बताया
आज हमारी वजह से उनके मन में इतनी कड़वा है, इतने आंसू। अनजाने ने हमसे हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अनजाने में होता तो गलती होती, लेकिन तुम दोनों ने जान मुझ के मेरे साथ धोखा किया है। ये गलती नहीं, पाप है। प्यार नहीं, सौदे की शादी की। तू तो बहुत बड़ा वकील है ना बेटा, सबकी बोलती बंद कर देता, आज दलील नहीं देगा। तुझे किस चीज की कमी थी बेटा, जो तूने अपनी माँ को ही टांग लिया? नहीं बोलेगी, तू तो सारा दिन मुझसे बातें करती रहती थी ना। काश काश एक बार भरोसा करके मुझसे सच कह दिया होता तो शायद भरोसा जीत जाता। मगर तुम दोनों ने मुझसे सच नहीं कहा। मेरे प्यार को, मेरे मामा को थप्पड़ मारा। ये मुझे डर है कि उस थप्पड़ की आवाज, उस थप्पड़ की गूंज से मैं कहीं पैरी ना हो जाऊं, पैरी ना हो जाऊं। मॉम देखिए, मॉम मिश्री और मैंने सौदे की शादी की है, पर उसकी एक वजह थी मॉम, उसकी वजह थी, पर अब वो वजह बेईमानी है। आप सब कुछ भूल जाइए मॉम, सच ये है कि मैं और मिश्री पति पत्नी हैं, बस। हाँ माँ, अब प्लीज सब कुछ भूल जाइए ना। ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मेरी एक शर्त है। जो भी आप कहें माँ। ऐसे किसी आदमी को साक्षी मानकर तुम दोनों ने साथ मेरे लिए होके ना, तो आज कसम लो इस अग्नि को और मुझे साक्षी मान के कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और हमेशा एक साथ रहोगे। वजह से तुम दोनों ने अपना रिश्ता छोड़ा, आज प्रेम से जोड़ोगे। अपने इस पुराने दाग को अग्नि में राख करके प्यार से अपने रिश्ते को पवित्र करो, बस फिर मैं सब कुछ भूल के तुम दोनों को माफ कर दूंगी। लेकिन एक बार अपने दिल की सच्चाई मुझसे कह दो। मैं अपनी फीलिंग्स छुपा छुपा के थक चुका हूं मिश्री, आज तुमसे सच कहूंगा, कहूंगा कि मैं तुमसे पति 7 जन्मों का साथ नहीं, बस 1 साल की डील है। सॉरी अर्जुन, मगर हम इनके प्यार का फायदा नहीं उठा सकते। इन कागजों को आप
इस आग में झुककर पवित्र करना चाहती थी ना माँ, मगर इस झूठे रिश्ते के सबसे बड़े सबूत तो हम हैं माँ। इसलिए इसका अंजाम भी हम ही भुगतेंगे। मिश्री, हम छोड़ दीजिए माँ, पहले हमने हमारी माँ को खो दिया, दोबारा हम हमारी माँ को खोने का दुख नहीं सह पाएंगे। सहना होगा। मैं तुम दोनों की लगाई हुई धोखे की आग में जल रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरी दी हुई सजा की आग में जलना होगा। अभी हमसे पूछ के आया करती थी, उस घर में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं, और ये सब उस मिश्री की वजह से हो रहा है। क्या बात है, बहुरिया ने हवा तक को भड़का दिया है? आप मत मानिए जीजी, लेकिन सच यही है, जब से उस मिश्री के पैर इस घर में पड़े हैं ना, हमारे घर को नजर लग गई है। तो शुक्र है कि कल्पना को ये बात समझ में आ गई, तभी तो वो उसे जाने के लिए कह रही है। का है का? तू जब देखो मिश्री हाय का नारा लगाती रहती। अरे उन तीनों को कमरा से बात करके बाहर तो आने दे। अच्छा है बहुरानी तेरी तरह लड़ाका नहीं है, जो उन समस्या है उसको बात करके सुलझा लेना चाहती, तभी तो उसको अंदर लेके गई है। आपको अब भी उस मिश्री पे विश्वास है जीजी? हाँ, काहे से हम जानते हैं कि मिश्री से अगर कोनो गलती भी हुई गई ना, तो भी उसकी नीयत में खोट नहीं है। ए पुन्नी, तनी सोच, जो उन विद्या की तरह सोचती है, विद्या की तरह बातें करती है, वो गलत कैसे हो सकती हो? नहीं जीजी, वो मिश्री नहीं हो सकती, क्योंकि विद्या की परछाई तो सिर्फ हमारी अनु है। आज हमारी अनु को इस घर में उसकी जगह वापस मिल जाएगी। क्या करें? छोड़ जीजी, छोड़ इको। बात का और छोर पता नहीं, चलिए फैसला सुना। जीजी चल, हमारे साथ बैठिए, चल बैठिए, परेशान ना हो, हम जाके देख के आते कि हुआ चल का रहा है। आश्रम के मेरे कमरे में एक संदूक है, जिसमें तेरे बचपन से जुड़ी हुई यादें हैं, जो तुझे तेरे परिवार तक ले जाएंगी। मिश्री का सामान कमरे में नहीं, घर के बाहर जाएगा, और मिश्री भी। तुम मिश्री बाहर भेजने की बात कर रही हो? वो नहीं जाएगी कहीं। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। इसलिए अब ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। बेड़ा पार लगाओ माँ, मिश्री को भगाओ माँ। मिश्री घर से जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी, मिश्री घर से जाएगी, सुख समृद्धि आएगी, अनु अर्जुन को पाएगी, पाएगी, पाएगी। अरे गला ना फाड़, माँ भक्त की सुनती है, राक्षस की नहीं। For your kind information, राक्षसों के मासी और मासा जी भी राक्षसी होते हैं, और आपकी तो हंसी भी राक्षसों वाली है।
जब मिश्री पूजा करके मामी को घर ला सकती है तो मैं पूजा करके मिश्री को बाहर क्यों नहीं निकाल सकती? अरे वो मिश्री ने अपनी हथेली पर चलता हुआ दिया रख कर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करी थी। तू भी ऐसा कछु जोरदार कर तो समझ में आए। बात तो सही है। मेरे पास एक सुझाव है तुम्हारे लिए, आग लगा ले मुंह में। चुप रहिए मासा जी। मिश्री का सामान कमरे में नहीं घर के बाहर जाएगा, और मिश्री भी। तुम मिश्री बाहर भेजने की बात कर रही हो? वो नहीं जाएगी कहीं। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। इसलिए अब ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। मिश्री का सामान कमरे में नहीं घर के बाहर जाएगा, और मिश्री भी। तुम मिश्री बाहर भेजने की बात कर रही हो? वो नहीं जाएगी कहीं। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। इसलिए अब ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे।